महाराष्ट्र में बढ़ेगा एनडीए का परिवार। गृह मंत्री शाह से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। शाम 4 बजे शाह के घर पर एनडीए की बैठक। महाराष्ट्र की सीटों पर होगी चर्चा। राज ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव पर हुई बात। थोड़ी देर में कांग्रेस सीईसी की बैठक। 12 राज्यों की करीब 90 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। कांग्रेस मध्य प्रदेश की बाकी बची 18 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का करेगी ऐलान। 10 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है पार्टी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 25 गारंटी। खड़गे बोले सीडब्ल्यूसी में घोषणा पत्र पर हुई चर्चा। भारत जोड़ो यात्रा के 5 स्तंभ बनेंगे मैनिफेस्टो का हिस्सा। खड़गे सोनिया और राहुल रहे मौजूद। पीएम मोदी ने फिर राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर किया पलटवार। कहा विपक्ष के शक्ति के विनाश का किया ऐलान। पीएम मोदी बोले शक्ति का मतलब होता है नारी शक्ति। कांग्रेस विनाश का कर रही है दावा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म का अपमान करने का लगाया आरोप। कहा किसी और धर्म का अपमान नहीं करता विपक्ष। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने डीएमके सरकार पर बोला हमला। कहा एक एक वोट एनडीए को जाएगा। केरल के पलक्कड़ में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़ा लोगों का हुजूम। सीता सुरेन ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विनोद तावड़े ने किया स्वागत। सीता सुरेन का बड़ा बयान। कहा पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया। झारखंड में लूटी जा रही आदिवासियों की जमीन। बिहार में एनडीए से एक भी सीट न मिलने से पशुपति पारस नाराज। मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। बोले मेरे साथ हुई नाइंसाफी। आरजेडी के साथ जा सकते हैं पशुपति पारस। सूत्रों के हवाले से खबर। हाजीपुर छोड़कर दूसरी सीट पर बात संभव। सूत्रों के मुताबिक हाजीपुर से आरजेडी का उम्मीदवार पहले से तय। पशुपति पारस पटना में करेंगे नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा पशुपति पारस को गठबंधन में आना चाहिए। मेरी भविष्यवाणी 2025 में बीजेपी खत्म। पशुपति पारस के इस्तीफे पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। कहा पीएम ने हमेशा किया सम्मान। चिराग को देना चाहिए आशीर्वाद। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। सभी सीटों पर चुनाव जीतेगा एनडीए। ईडी के दावे पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा ईडी के पास एक भी सबूत नहीं। केजरीवाल से डरी हुई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी का दावा। कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करना बीजेपी का मकसद। ईडी सीबीआई बीजेपी के गुंडे बने। आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। सौरभ भारद्वाज बोले राजनीति से प्रेरित है ईडी की कार्रवाई। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर किया पलटवार। संबित पात्रा बोले समन से भाग रहे हैं केजरीवाल। संबित पात्रा बोले केजरीवाल ने भरोसे का कत्ल किया। 9 समन के 18 बहाने बनाए। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाए टेक्निकल बहाने बनाने के आरोप। कहा कोई बहाना नहीं चलेगा। संबित पात्रा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा केजरीवाल रंग बदलने में माहिर। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वार। कहा बीजेपी की चंदा चोरी देश के सामने आई। 400 पार का नारा 40 में सिमट जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का रचा जा रहा है षड्यंत्र। अदालत के फैसले से पहले बीजेपी में बेचैनी। हरियाणा में नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 4:30 बजे होगा। कैबिनेट विस्तार। 6 से 7 मंत्री ले सकते हैं शपथ। संजय मुखर्जी बने पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी। चुनाव आयोग ने की नियुक्ति। कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। कल हनुमान चालीसा बजाने पर हुआ था विवाद। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। बेंगलुरु में पुलिस ने तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लिया। मामले को शांत कराने में जुटी पुलिस। सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज की सुनवाई पूरी। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की होली। राउल्स रेवेन्यू कोर्ट ने 6 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बाबा बागेश्वर ने की मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग। कहा मुरादाबाद का नाम माधव नगर किया जाए। कैंसर की नकली दवाइयों के मामले में ईडी का एक्शन। दिल्ली एनसीआर में 10 ठिकानों पर छापेमारी। मामले में 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। उत्तराखंड के केदारनाथ में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। भक्तों के लिए 10 मई से खोल दिए जाएंगे कपाट। व्यवस्थाओं में जुटी प्रशासन।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में आंधी तूफान के साथ बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, किसानों की बड़ी मुश्किलें। राजस्थान के चूरू में होली के लिए कार्यक्रमों का आयोजन, राजस्थानी वेशभूषा में सजे कलाकार। तेलंगाना में भारी मात्रा में सोना बरामद, जांच के दौरान गाड़ी से सोना बरामद। यूपी के कानपुर देहात में रोड नहीं तो वोट नहीं के लगे पोस्टर, ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में पहुंचाई 22 स्टारलिंग सैटेलाइट, फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से हुई लॉन्चिंग। गाजा में इजराइल के हमले जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 31,726 पहुंचा। हेती में सामूहिक हिंसा से बिगड़ी स्थिति, अमेरिका ने सुरक्षा स्थिति को बताया अस्थिर। हेती में अभी भी हिंसा का दौर जारी, इलाके से बरामद किए गए 10 से ज्यादा शव। फिलीपींस में अमेरिकी विदेश सचिव के दौरे का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने कहा फिलीपींस में अमेरिकी मिलिट्री बेस बनने का डर। रूस में सोने की खदान में चट्टान ढहने से हादसा, मलबे में फंसे 13 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। Z News.